चलेंगे दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है सभी लोगों का इंजीनियरिंग ड्राइंग के ऑनलाइन चैनल पे। रेसवा सेमेस्टर पे सभी बच्चों का स्वागत है दोस्तों। पहले तो जो भी बच्चे हमारे साथ पुराने बने हुए हैं उन बच्चों का जो है तहे दिल से हम मोस्ट वेलकम करना चाहेंगे, और जो बच्चे आज हमारे साथ नए जुड़ेंगे दोस्तों उनका भी दोस्तों मोस्ट वेलकम है। रेसवा सेमेस्टर के ऑनलाइन क्लासेस पर सभी बच्चों का इंजीनियरिंग ड्राइंग में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। जैसा कि हम लोग चैप्टर 6 से पढ़ रहे थे, और बहुत से बच्चों को एक प्रकार से सस्पेंस था कि सर कैसे कंप्लीट होगा, कैसे कंप्लीट होगा यार, चैप्टर 9 तक तो है ही, है ना, और चैप्टर 6 हम लोग पढ़ ही रहे। 7 आपका आ जाना है रिविटिंग, और 8 शायद है आपका कपलिंग, ठीक है, उसके बाद 9 है शायद आपका कैड। तो कैड के लिए तो अलग से टॉपिक आपका चल रहा है। तो मान लीजिए आपका दो टॉपिक, दो चैप्टर है, ठीक है, जिसको कि हमें फ्री हैंड स्केचिंग देखना है और उसको सीखना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या पैनिक होना, उसके लिए क्या परेशान होना कि सर कैसे कंप्लीट होगा। कंप्लीट तो हो ही रहा है, अब बहुत अच्छे से जो है कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो पहले तो हम जो भी हमारे बच्चे हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पहले उनको हम बुलाना चाहेंगे अपनी क्लासेस पे कि प्लीज आइए, वापस आइए और अपने क्लासेस को अटेंड करिए, ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, हम लोग नक्कल ज्वाइंट्स के बारे में पढ़ रहे थे। कल थोड़ी सी टाइमिंग मिली थी, थोड़ी सी, थोड़ी सी का मतलब यहाँ दिखा रहा हूँ ना, उससे भी कम टाइमिंग मिली थी, ठीक है। और उसमें बहुत से बच्चों को एक प्रकार से सस्पेंस रहता है, बहुत से बच्चे यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, इसे क्लास स्टार्ट हो इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसा मत समझना कि केवल बोलता ही रहता हूँ बनाता कम हूँ, ठीक है। तो क्लास जैसे स्टार्ट हुई है इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे बहुत से बच्चों को एक कन्फ्यूजन रहता है कि सर लिखवा दीजिए, है ना। देखेंगे जो मेन मेन टॉपिक होता है ना मित्रों भाइयों, जो हमारे जो मेन मेन जो आपके जो टॉपिक होते हैं, तो उस मेन मेन टॉपिक में मैं लिखवा देता हूँ। एंड इसमें आपका बनाने से खास तौर पे विशेष जो महत्व होता है, इम्पोर्टेंट है, वो आपका बनाने से कितने बेहतर तरीके से आप इसको बना सकते हो, है ना, कितने बेहतर तरीके से आप इसको बना सकते हो, उससे आपका ये महत्व होता है ना। और जैसे जो आपका हिंटअप होता है, छोटा छोटा हिंटअप, जैसे मैंने कल आप नकल ज्वाइंट के बारे में बताया था, तो मैंने बताया था कि ये जो है आसानी से असेंबल हो सकता है ना। एंड मैंने आपको बताया था कि इसमें एंगुलर जो है डिस्प्लेसमेंट की व्यवस्था बहुत अच्छी होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की व्यवस्था जो है बहुत अच्छी होती है, ये जर्किंग सिस्टम को आसानी से ले सकता है, इसमें इसका जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होता है। तो ये सब चीज़ें होती है जो आपकी टॉपिक की मेन चीज़ें होती है। हमको हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, हिस्ट्री नहीं पढ़ना है हमें कि नहीं भाई हिस्ट्री में हम गए बिल्कुल रट लिए, रट के वही चीज़ें छाप करके चले आए, ये चीज़ तो कहीं पर भी आप घर पे हो यार, बुक को पढ़ सकते हो, बुक से आप लोग रट सकते हो, है ना। इस पे मेन मेन चीज़ों को जानना है, जैसे कि अभी आप लोग जहाँ पे हो तो कभी कभी डिस्कस होता होगा कि किस जगह पे हम लोग क्लासेस को अच्छे से अटेंड करें, तो नाम आता होगा हाँ रेसवा सेमेस्टर, रेसवा सेमेस्टर पे हम लोग अच्छे से क्लासेस को अटेंड करें। तो वहाँ क्या क्या फैकल्टीज है, तो हर एक प्रकार के टीचर हैं, टीचर्स के नाम जानते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो कि आपकी ये विशेषताएँ हैं इसकी, है ना। तो वही चीज़ें जो किसी ज्वाइंट्स की या जो किसी स्टील की जो विशेषताएँ होती हैं उसके क्लू के बारे में मैं आपको यहाँ पर लिख भी देता हूँ, आपको बता भी देता हूँ, ठीक है, और आपको जो है उसके बारे में छोटा छोटा मैं लिखवा भी देता हूँ। तो यही जो आपका हिंटअप होता है, यही आपका मेन होता है। जैसे मैं बता दूं कि कोई पूछे कि नक्कल ज्वाइंट क्या है, तो भाई जब नक्कल को हम ज्वाइंट कह ही रहे हैं, नक्कल को तो अकेला कह नहीं रहे कि नक्कल 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 नक्कल, ये तो नक्कल नक्कल हम नहीं कर रहे ना, नक्कलों को हम क्या कर रहे हैं, नक्कल को तो हम ज्वाइंट कह ही रहे हैं ना, तो नक्कल क्या हो गया, एक प्रकार का ज्वाइंट ही ना हो गया, ज्वाइंट, ये ज्वाइंट पकड़ना है ना। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े, क्वार्टर ज्वाइंट पढ़े, तो क्वार्टर क्या है, तो क्वार्टर भी एक प्रकार का ज्वाइंट हो गया, लेकिन क्वार्टर में और नक्कल में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे क्वार्टर क्या है, एक प्रकार का टेपर पिन होता है, टेपर पिन को हम दो प्रकार के शाफ्टों में, दो प्रकार के रड के स्क्वायर होल में हम क्या करेंगे, उसको आसानी से फंसा देंगे। जब फंसा देंगे तो उसमें आपका टेपर है, तो टेपर है तो आसानी से क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, आसानी से ये डिसेंबल होने की संभावना इसमें बहुत ही कम रहती है ना। और इसमें जो है ये थोड़ा सा और ज्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है कि नक्कल दो होल होगा, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं, उस होल को हम लोग बोलते हैं आपका आई इंड, आई इंड, उसमें हम लोग पिन को फंसा देंगे, या तो पिन हमारी टेपर हो या तो पिन हमारी पैरेलल हो, जैसे ट्रैक्टर के टाली ओली वगैरह में होता है, चाहे जहां पे कनेक्टिंग रॉड अथवा पिस्टन वगैरह में होता है, ठीक है, या तो रस्से वाले पुलों में, तनन अंगों में, ये सब चीजें हमको देखने के लिए मिल जाती हैं जहां पे हमारा नक्कल ज्वाइंट मतलब लगा हुआ रहता है। तो केवल इसका यूज जानिए और इसका फिगर जानिए और इसके एडवांटेज के बारे में जानिए, इसके क्या क्या लाभ है, तो बाकी आपका टोटल हिस्ट्री तो आप लिख ही दोगे, क्यों,
टोटल हिस्ट्री आप लोग इसका आसानी से लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, टोटल हिस्ट्री आसानी से आप लोग इसको लिख सकते हो। क्यों, सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, एक बार प्लीज कमेंट के माध्यम जरूर बताएंगे। तो देखेंगे हम लोग का जो टॉपिक था वो था नक्कल ज्वाइंट का, कल लास्ट का चला था, ठीक है। इससे भी आपका आइसोमेट्रिक, आर्थोग्राफी, राइट साइड, लेफ्ट साइड, टॉप साइड बनाने के लिए आ जाएगा। मतलब जैसे कि आपका तीनों प्रकार का डिसेंबल दे देगा, डिसेंबल पार्ट दे देगा डिटेल्स उसका, जैसे मैंने कल आपका एक फिगर बनाया था क्वार्टर से, डिसेंबल दे देगा इसका डिटेल्स पूरा आपका दे देगा, और कहेगा कि इसको आप लोग असेंबल करिए, और असेंबल करने के बाद इसका सिस्टम मतलब लेफ्ट साइड का, राइट साइड का, या तो एलिवेशन का आप सिस्टम बना के हमको दर्शाइए, ठीक है। तो जैसे आप मैकेनिक्स है, इंजीनियरिंग क्या है आपका, एक प्रकार से मैकेनिक्स है, जिसका इलेक्ट्रिकल है उसका इलेक्ट्रिकल से संबंधित है, ठीक है। लेकिन ज्वाइंट आपका सब में है ना। तो चलते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में, स्टार्ट करते हैं क्लासेस को। क्लासेस है आपका नक्कल ज्वाइंट का, ध्यान देना है किसका है, नक्कल नक्कल ज्वाइंट बोल लीजिए या तो पिन ज्वाइंट बोल लीजिए। आप देखिए इसको नक्कल ज्वाइंट भी कह रहे हैं और पिन ज्वाइंट भी कह रहे हैं, या तो नक्कल ज्वाइंट कहिए या तो पिन ज्वाइंट कहिए, तो दोनों चीजें इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं। तो मतलब क्या है, कहीं ना कहीं इसमें पिन का विशेष महत्व है कि नहीं है, तभी ने इसका नाम पिन के ऊपर आया है। इसीलिए हम कहते हैं टेक्निकल चीज है, तो जितना ज्यादा इसको आप लोग समझ करके पढ़ोगे उतना ज्यादा आपके माइंड में ये इंटर होगा, उतना ज्यादा इंटर होगा, उतना नई नई चीजें जानने की आप कोशिश करोगे, ठीक है। तो ये आपका नक्कल ज्वाइन कर लीजिए या तो इसको पिन ज्वाइन कर लीजिए। तो इसका मैंने क्या बताया था, इंट्रो मैंने आपको बताया था, अभी फिगर भी बनाएंगे। इंट्रो मैंने इसका क्या बताया था, इंट्रो मैंने बताया था इसका एक प्रकार का क्या है, ज्वाइंट है बस, देर कुछ नहीं, अधिक कुछ नहीं, बस अधिक जो लोग कह रहा है ना कि नहीं और भी है, ले आओ पकड़ के डिस्कस करो हमसे, ठीक है। तो एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का यह ज्वाइंट है बस, इसीलिए इसका चैप्टर का नाम ही है नक्कल ज्वाइंट, ठीक है। एंड इसकी जो यूजेस हैं, यूजेस के बारे में जानेंगे, या तो इसके जो एडवांटेज है, इसका जो एडवांटेज है उसको आप जानोगे, इसका जो यूज कहाँ पे होता है, पहले यूज जान लीजिए इसका यूज, प्रयोग, इसका यूज है असेंबल टू रॉड, मतलब दो शाफ्ट को जोड़ने में, असेंबल टू रॉड्स या असेंबल मेनी रॉड्स, मतलब यह दो से अधिक शाफ्टों को भी जोड़ सकता है, कल बताया था मैंने मेनी रॉड, ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका यूज हो जाएगा, असेंबल फॉर टू रॉड्स या असेंबल मेनी रॉड, मतलब दो प्रकार के शाफ्टों को जोड़ने में, मतलब शाफ्ट अलग अलग प्रकार से होते हैं, जैसे कि एक होता है आपका शाफ्ट जिसपे आपका बेयरिंग चढ़ा होता है, जिसपे आपका पुल्ली चढ़ा होता है, जिसपे आपका पहिया एक बड़ा सा चढ़ा होता है, वो भी एक शाफ्ट ही है जो घुमा रहा है, घुमाने का काम शाफ्ट ही करता है। किसी भी चीज को स्मूथ मोशन में लेके चलना है तो बेयरिंग स्मूथ मोशन में शाफ्ट को लेके चलती है, और शाफ्ट जो है स्मूथ मोशन में जो उसके ऊपर जो पार्ट्स पुर्जे होते हैं उनको लेकर के चलता है। ये मतलब इसका क्या होता है, ये इसका एक एग्जाम्पल होता है, डायरेक्टली तौर पर नहीं घुमा देंगे, ठीक है, वो टूट जाएगा या वो मिस अलाइनमेंट में आ जाएगा, तो जब मिस अलाइनमेंट में आएगा तो ऑटोमेटिक वो खराब होना ही होना है। तो इसका यूज कहाँ है, असेंबल फॉर टू रॉड्स, अब टू रॉड्स को जोड़ने में, ठीक है, या दो शाफ्टों को जोड़ने में। तो एक शाफ्ट ऐसा होता है जो कपलिंग के माध्यम में जोड़ा जाता है, जहां पर आपका अभी अगला चैप्टर आप लोग कपलिंग का पढ़ोगे, है ना। तो जहां पे दो शाफ्ट के मुंह को जोड़ना हो, भाई एक हमारे पास शाफ्ट बहुत छोटी है, यहां से लेके जाना है कहीं डिस्टेंस में, उतना लंबा शाफ्ट कहां से लेके आएंगे, क्या करेंगे, कंपनी में ऑर्डर देंगे कि बना के रखिएगा या हमारे यहाँ ला दीजिएगा, हमको यहां से यहां तक करना है, कंपनी कहेगी भाई हम तो इतना ही का बनाते ही हैं, तो आपके लिए स्पेशल काम थोड़ी ना करेंगे, जब हमको बीआईएस का एक रॉडिंग
या फिर अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग इतना ही लंबा बनाना है तो हम क्या करेंगे उसके लिए एक अलग सिस्टम है हमारे पास। तो क्या है, तो कपलिंग है, तो जहां पे दो शाफ्टों को आपस में जोड़ना हो, एक लेफ्ट साइड से शाफ्ट लाए, एक राइट साइड से हम शाफ्ट लेके आए और दोनों के मुंह का हम आपस में जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एक प्रकार का कपलिंग सिस्टम हो जाएगा, है ना। तो जैसा मैंने बताया कि शाफ्ट, तो शाफ्ट को जोड़ने का कई तरीका होता है, तो यहाँ पे हम लोग किससे जोड़ रहे हैं शाफ्ट को, यहाँ पे हम लोग दो शाफ्टों को जोड़ रहे हैं, एक किसके द्वारा, नक्कल ज्वाइंट के द्वारा इसको हम लोग जोड़ रहे हैं। अब देखेंगे इसका जो एडवांटेज होता है, अगले पे आ जाते हैं, इसके जो लाभ है, इसके जो एडवांटेज आप देखेंगे इसके लाभ क्या क्या होते हैं। लाभ इसके होते हैं, टेंसाइल फोर्स को भी ले सकता है, टेंसाइल फोर्स को भी ये क्या कर सकता है, ले सकता है, कंप्रेसिव को भी ले सकता है, कंप्रेसिव फोर्स को भी यह ले सकता है, ठीक है। अगला है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की भी इसमें क्या होती है, व्यवस्था होती है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की भी इसमें व्यवस्था होती है। तो ये सब चीजें हैं जहां टेंसाइल का मतलब खिंचाव, अब ज्वाइंट है तो टेंसाइल का मतलब खिंचाव, तो मतलब क्या, जैसे चापा कल वगैरह होता है जिससे हम लोग पानी लेते हैं, कहीं कहीं मोटर भी है और कहीं कहीं पे चापा कल भी होता है, किसी किसी घर में दोनों सिस्टम होता है, भाई लाइट चली जाएगी तो हम क्या करेंगे, है ना, तो चापा कल चलाते, तो उसमें भी देखोगे तो एक टेंसाइल पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, किसी को खींच रहा है फिर दबा रहा है, किसी को खींच रहा है फिर दबा रहा है, या तो गाड़ी के जो वैगन वगैरह होते हैं, जो डिब्बे वगैरह होते हैं, उसमें भी किसी को खींचा जाता है, फिर वो प्रेशर के माध्यम से खींचता हुआ आगे चला जाता है। तो इसमें जो होता है आपका टेंसाइल फोर्स भी होता है, जैसे कि टेंसाइल फोर्स का मतलब खिंचाव, जिसको मैंने खींच रहा हूं वो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको खींच रहा हूँ, तो क्या हो गया, एक प्रकार का टेंसाइल हो गया। कंप्रेसिव का मतलब जो लोड ऊपर से हमारा वर्टिकल पड़ रहा है, ये हमारा कंप्रेसिव हो गया। अगला एंगुलर मेजरमेंट का, किसी भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि अगर जर्किंग हो रहा है तो मतलब ये सिस्टम में कभी इधर इस एंगल में कभी उस एंगल में, तो उसकी व्यवस्था भी इसमें होती है, जैसे में कि अगर हम कहीं पे गाड़ी वगैरह में जब बैठते हैं तो जब कहीं पे जर्किंग होती है, देखे होगे जब जर्किंग होती है तो कहीं पर इधर कहीं उधर कहीं इधर कभी उधर कभी ऊपर कभी नीचे होता है कि नहीं होता है, लेकिन फिर ये अपने ऊपर स्थान पर ही जहां पे अपने प्लेस है उसी प्लेस पे ये क्या हो जाता है, आ जाता है, आ जाता है कि नहीं आ जाता, तो वही सिस्टम है आपका आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है। अब कंप्रेसिव फोर्स, जैसे आपका इसमें जो ऐसा व्यवस्था रहता है ना, कॉलर का व्यवस्था होता है, मतलब गाइडों की ऐसी व्यवस्था इसमें होती है, जोर से मतलब नहीं है, ज्वाइंट तो हम लोग किसी भी सिस्टम से कर सकते, ज्वाइंट तो हमारे पास वो भी था, ये आपका नट और बोल्ट भी एक प्रकार का ज्वाइंट ही है ना, टेम्पररी ज्वाइंट नहीं है वह, एक प्रकार का सेमी परमानेंट ज्वाइंट होता है, बंधक बनाना, ज्वाइंट तो मेरे पास कॉटर का भी था, ज्वाइंट तो मेरे पास की का भी था, तो क्या वो इतने मजबूत है, नहीं, वो इतने फोर्स को ले सकते हैं, नहीं, क्या उसमें एंगुलर मेजरमेंट की व्यवस्था है, नहीं, क्या उसमें टेंसाइल फोर्स की व्यवस्था है, हाँ थोड़ी मोड़ी होती है, ठीक है, तो क्या इतने चीजें हैं, नहीं है। तो जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ती चली गई, जैसे जैसे हम देखे कि नहीं ये सिस्टम अब थोड़ा सा वीक पड़ेगा, अगले सिस्टम की तरफ थोड़ा फोकस किया जाए, वैसे वैसे हम लोगों ने क्या किया, एक ना एक नई चीजों का आविष्कार करते हुए चले गए, ठीक है। उसी में से एक चीज होती है आपकी, क्या उसी में से एक चीज हो जाती है आपकी, नक्कल थ्रेड, ओके समझ गया ना। तो अब इसका डेफिनेशन लिखवाना जरूरी है, अब इसका डेफिनेशन लिखवाना जरूरी है, ये बताइए, जैसे बताया जाए नक्कल, व्हाट इज द नक्कल ज्वाइंट, नक्कल एक प्रकार का ऐसा ज्वाइंट होता है जो कि दो शाफ्टों को या दो से अधिक शाफ्टों को जोड़ने का काम करता है, यह टेंसाइल फोर्स को भी ले सकता है, कंप्रेसिव फोर्स को भी ले सकता है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की भी व्यवस्था होती है। इसमें एक प्रकार से गाइड सिस्टम लगा हुआ होता है जो कि हर प्रकार के फोर्सेस को अपने ऊपर सहन कर सकता है। तो इतना बहुत नहीं है डेफिनेशंस में, इतना डेफिनेशंस में आप इसको लिख सकते हो, ठीक है समझ गए। इसका उपयोग स्टीम इंजन में कनेक्टिंग रॉड तथा पिस्टन रॉड को जोड़ने में किया जाता है, जिसे इसका यूज होता है, ठीक है।
तो इसका यूज स्टीम इंजन में भी यहीं लिख देता हूं, ध्यान देना है, स्टीम इंजन में, स्टीम इंजन में कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड और आपके पिस्टन रॉड को जोड़ने में भी किया जाता है, ये चीज हम इसको कर सकते हैं। ओके, समझ गया ना। अब इसके कुछ पार्ट्स के बारे में हम आपके सामने बनाएंगे, देखना है इसके कुछ, अब हमारे इसके पार्ट्स जो है हमारे बनेंगे। अब ये चीजें आपकी बन करके कंप्लीट हो गई, अब देखेंगे इसके जो पार्ट्स कुछ बनेंगे तो किस टाइप से बनेंगे, अगले पेज का हम लोग यूज करते हैं। आप देखेंगे इसके पार्ट्स, आप देखेंगे डायग्राम बनाएंगे, इसलिए अगले पेज का यूज हमने किया है। आप देखेंगे इसके डायग्राम को बनाएंगे अलग अलग, किस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा, ठीक है। पहले हम लोग कॉलर को बनाएंगे, ये देखेंगे इसका ये क्या हो गया, कॉलर हो गया। थोड़ा सा और इसको अंडाकार शेप में बनाते हैं, ठीक। देखेंगे ये क्या हो गया, इसका कॉलर सिस्टम हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका कॉलर सिस्टम हो गया, इसको हम लोग कहते हैं कॉलर। ये हो गया कॉलर, ठीक है, उसी का भाग है, उसी का पार्ट्स ये बन रहा है, ठीक है। अब इसका पिन बनाते हैं, ये देखेंगे ये क्या हो गया, इसका ये टेपर पिन हो गया। ये हो गया टेपर पिन, ठीक, दो भाग इसका बना।
ये हो गया इसका टेपर पिन, ठीक है। अब बनेगा फोर्क एंड, देखेंगे ये थोड़ा सा बनाने में टाइम लगेगा, छोटा नहीं है। अब बनेगा इसका फोर्क एंड, फोर्क एंड। ध्यान देना है, थोड़ा टाइम लगेगा इसको बनाने में। देख रहे हो ये फोर्क एंड का फिगर बन रहा है, साथ में बने रहिएगा, बोर नहीं होना है ड्राइंग में। इस तरीके से
देख लो मित्रों, ये हो गया आपका एक प्रकार का फोर्क इंड। ये रॉड हो गया आपका, एक तरीके से देख रहा हूं, ये फोर्क एंड का ये आपका फिगर है। देख रहा हूं, ये सब शेडिंग है। दोनों एक सीध में दोनों होल होना चाहिए, उसी का डायरेक्शन से बता रहा है। अब देखेंगे इसका नाम हो जाएगा आपका फोर्क इंड। ये जो है फोर्क इंड, देख रहा, ये हो गया आपका रॉड, रॉड ठीक। ये चीजें हैं कंपो नेंट्स ऑफ, कंपोनेंट्स ऑफ नक्कल ज्वाइंट। कंपोनेंट्स ऑफ नक्कल ज्वाइंट्स का देख रहे हो, तो यहां बीच में देख रहे हो गैपिंग है। ये दोनों बीच में क्या है आपका, यह गैपिंग है ठीक है। और इसमें हमको क्या करना है, राड को फंसा देना। अभी हम राड बनाएंगे, देखोगे किस तरीके से ये बनता है आपका।
ये हो गया आपका राड, इस तरीके से शेडिंग कर देना इसको। देखोगे ये पिन हो गया, क्या हो गया, यह पिन, और इसको कहते हैं हम लोग हेड। इसका क्या नाम हो जाता है, हेड नाम हो जाता है। देख रहा हूं, एक तरीके से ये बना 1 2 3 4। एक डायग्राम अभी आपका और बचा है आई इंड का, आई इंड का। अब आई इंड का जो डायग्राम हम बना देते हैं, देखोगे किस तरीके से बनेगा आई इंड का डायग्राम। कोशिश है इतने छोटे से जगह में बन जाए आई इंड। देखो देख रहे हो, ये फ्री हैंड स्केचिंग, कोई मैं ग्राफ से नहीं दे रहा हूं आपको, बना करके इसीलिए बता रहा हूं कि किस तरीके से इसको बनाया जाए फ्री हैंड स्केचिंग को। ये देख रहा हूं दोस्तों, ये हो गया इसका आई इंड। ये हो गया इसका रॉड,
ये हो गया रॉड, ठीक है, और ये हो गया इसका आई इंड, इसको हम लोग बोलते हैं, ये इधर लिख देता हूं मैं, आई इंड। देख रहे हो दोस्तों, आपके दिख रहा है, ये सब आपके जो है पार्ट्स हैं इसके, इसको बोला जाए तो डिटेल्स ऑफ पार्ट्स इसको बोलेंगे हम लोग, डिटेल्स ऑफ पार्ट्स। डिटेल्स ऑफ पार्ट्स मतलब नक्कल ज्वाइंट्स के ये सब आपके पार्ट्स हैं, ठीक है, जिसको बोला जाता है डिटेल्स ऑफ पार्ट्स, ठीक है। और भी बेहतर तरीके से चाहोगे तो इसको बना सकते हो, एंड नेमिंग इसकी हमेशा करना है, ये ध्यान देना है, ठीक है। ये आपका देखेंगे, ये आपका कॉलर हो जाता है जो कि गाइड करता है कॉलर, ठीक है। ये आपका टेपर पिन हो जाता है, टेपर पिन भी आती है और आपकी पैरेलल पिन भी आती है, ठीक है। ये देखेंगे, ये आपका क्या हो गया, कंपोनेंट्स ऑफ ए नकल ज्वाइंट्स, ये आपके नकल ज्वाइंट्स का कंपोनेंट्स हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं फोर्क। इंड इसको रॉड, ठीक है, ये इसका कॉलर का, ये क्या हो गया, ये इसका हेड हो गया, ये इसका पिन हो गया, ठीक है। ये इसका कॉलर है, कॉलर इसका अलग चीज है, ये पिन के पास हम क्या करते हैं, कॉलर को लगा देते हैं, ठीक है, यही आपकी पिन है, देख रहे हो ना। इस तरीके से ये इसकी क्या है, डिटेल्स है इसका, ये डिटेल्स है। एंड इसको बनाने का देखोगे मेन जो पर्पस है वो ये है कि फ्री हैंड स्केचिंग, इसको अगर हम चाहेंगे तो आपको ग्राफ के माध्यम से या तो पीडीएफ के माध्यम से भी बोर्ड पर दर्शा सकते हैं कि नहीं देखो ये इस तरीके से होता है तो, लेकिन उसे बनाने का रीजन्स हम नहीं बता पाएंगे कि मतलब आपका मैंने इसको किस तरीके से ड्रा किया। देखोगे फ्री हैंड स्केचिंग मैंने इसको किस तरीके से ड्रा किया हुआ है, ठीक है, उसी तरीके से फ्री हैंड स्केचिंग आपको भी इसको क्या करना है, ड्रा करना है, ठीक है। एंड इससे जो क्वेश्चन देगा, ये सारी की सारी जो डिटेल्स आपको दे देगा, जो डिटेल्स आप देख रहे हो, ठीक है, और इस डिटेल से क्या बोलेगा कि आप इस डिटेल्स को मतलब एक प्रकार से असेंबल कर दीजिए, और असेंबल करके इसका साइड व्यू और इसका प्लान व्यू आपको बताना है, समझ रहे हो ना। तो ये हो गया, तो ये हो गया आपका क्या, एक प्रकार से ज्वाइंट्स, समझ रहे हो ना। तो ये हो गया आपका एक प्रकार से ज्वाइंट्स। तो इसका जो यूज, जैसे मैंने आपको बताया, इसका डेफिनेशंस मैंने आपको बता दिया, ठीक है, इसके डिटेल्स पार्ट्स के बारे में मैंने आपको दर्शा दिया कि इसका जो है डिटेल्स पार्ट्स हम किस तरीके से मतलब बता सकते हैं, ठीक है। एंड इसको देखेंगे अभी आगे, और भी चीज है, आप देखेंगे इसमें जो तीन चीजें हैं, तीन होल है ना, 1, 2 एंड 3, देख रहे हो, 1, 2 एंड 3, इन होल को हम क्या करेंगे, एक सीध में हम लोग रखेंगे, जैसे अगर जोड़ना होता है, जोड़ने की बात आती है कि इसको हम लोग किस तरीके से जोड़ सकते हैं, है ना। तो इन तीनों चीजों को 1, 2 एंड 3, ठीक है, तीन छिद्र दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक दिख रहा है, ये जो लाइन है इसको मैंने अलाइनमेंट के लिए मतलब इसके बिल्कुल ही सीध में, ये अलाइनमेंट के लिए मैंने इस लाइन को खींचा हुआ, ये लाइन ये देखोगे, ये जो लाइन है ये मैंने अलाइनमेंट के लिए खींचा हुआ, ये भी लाइन हमारी अलाइनमेंट के लिए ही है जो खींचा हुआ। तो इन तीनों चीजों को हम क्या करेंगे, मतलब फोर्क इंड को, रॉड के इसको, मतलब रॉड के इंड को हम क्या करेंगे, आई इंड को हम क्या करेंगे, इसको एक सीध में रखेंगे और इसको आराम से खींच सकते हैं, इसको आराम से, जैसे ये हो गया आपका आई इंड, देख रहा हो, ये इसका हो गया होल 1, 2 एंड 3, इसको एक सीध में रखने के बाद हम क्या करेंगे, पिन को आसानी से फंसा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसकी असेंबलिंग पार्ट्स, ठीक है। फिर तीनों पिन को पिन के होल से होते हुए नक्कल पिन पिरो दी जाती है, मतलब जो पिन होती है नक्कल पिन, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको जोड़ देंगे। इस पिन के दूसरे भाग पर कॉलर लगाकर टेपर पिन नक्कल पिन के लंब रूप लगा दी जाती है, इस प्रकार जोड़ बन जाता है, ठीक है। तो इसका देखेंगे जो यूज है, कुछ यूज इसके और भी हैं, जैसे यहाँ पे इसका यूज मैं बता दूं, कुछ यूजेस ऐसे तो ये यूज दिया ही हुआ है, इसका यूज और भी कुछ है देखेंगे, और कहाँ कहाँ स्पेस है ही, ठीक है। तो व्यावहारिक उपयोग होता है साइकिल की चेनों की कड़ियों को जोड़ने में, ट्रैक्टर को टाली से जोड़ने में, ठीक है। यूजेस हुआ है इसका, हिंदी में ही लिख देता हूं, ट्रैक्टर को ट्रॉली से
जुड़ने में, ठीक है। दूसरा जो है वो क्या है, हैंडपंप के हैंडल को पिस्टन छड़ से जोड़ने में, हैंडल को पिस्टन छड़ से जोड़ने में। पिस्टन छड़ से जोड़ने में, ठीक है। तीसरा क्या है, रस्से वाले पुलों के तरन अंगों में, लिख लेना, रस्से वाले पुलों के तनन अंगों में। तो इस तरीके से आपका ये जो यूज था, इस तरीके से इसका यूज भी हम लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ज्वाइंट समझ गया ना, किस तरीके से ज्वाइंट को हम करेंगे, देखेंगे। ये आपका जो ज्वाइंट है, तो इसमें बता दें जो सबसे सिंपल तरीका है इसको जोड़ने का, ये आपका कॉलर हो गया, ये आपका टेपर पिन हो गया, ये आपका क्या हो गया, आई इंड हो गया, रॉड हो गया, ये आपका फोर्क इंड हो गया, और ये आपका एक प्रकार का पिन हो गया। तो तीनों होल को, 1 2 3, तीनों होल को हम आपस में रखेंगे। अलाइनमेंट में रखने के बाद हम क्या करेंगे, कॉलर सहित हम पिन को फंसा देंगे। तो एक प्रकार का यह क्या बन गया, एक प्रकार का यह ज्वाइंट बन गया, ठीक है। अब इसी से संबंधित जो है क्वेश्चंस आपके आते हैं एग्जामिनेशन में, है ना, बता देगा इसके पार्ट्स पुर्जों को दे देगा और कहेगा कि इनके पार्ट्स पुर्जों को असेंबल करके, ठीक है, आपको क्या करना है, इसको जोड़ना है। जिसे नक्कल ज्वाइंट का विवरण दिया गया है, इन्हें असेंबल कर दृश्य को बनाना है। क्वेश्चन देखेंगे किस टाइप का देगा। हिंदी में ही नक्कल जोड़ का दिख रहा है सबको ना, नक्कल जोड़ का विवरण दिया गया है, विवरण दिया दिया गया है, ठीक है। इसको असेंबल कर, इसको जोड़कर, मान लो इसको जोड़कर निम्न निम्न दृश्य बनाइए, निम्न दृश्य बनाइए। अब देखेंगे निम्न दृश्य में क्या क्या बता रहा है। पहला देखो, ए दे रहा है, टॉप व्यू मतलब ऊपरी दृश्य, बी फुल सेक्शन एलिवेशन, फुल सेक्शन एलिवेशन मतलब पूर्ण परिच्छेदित सम्मुख दृश्य, पूर्ण परिच्छेदित सम्मुख दृश्य। ठीक है, सी जो है साइड व्यू, सी क्या बता रहा है, सी बता रहा है साइड व्यू, साइड व्यू। पार्श्व दृश्य देख रहे हो ये। तो इस तरीके का देगा आपका क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस आपका आया भी है 2013 में, ठीक है। अब यहाँ पे आपका डायग्राम क्या कर देगा, डायग्राम आपका बना देगा। देखेंगे टाइमिंग की थोड़ी कमी है, तो डायग्राम आपका बना देगा।
48, ये पहला डायग्राम बनेगा, ठीक है। दूसरा, इस तरीके से आपका डायग्राम बना के देगा, थोड़ा टाइमिंग है, देख लीजिए क्वेश्चन साइज देख लीजिए, फिर आंसर की तरफ भी फोकस करेंगे। ठीक है, इस तरीके का डायग्राम है। वही डायग्राम बनेगा। तीन हो गया, अभी और डायग्राम है। चलो आज इसको देख लो, इस क्वेश्चंस को, इसका आंसर भी करवाएंगे अगर टाइम मिलता है तो।
ये हो गया, तीन चार फिगर बन गया, एक फिगर और है। ये टेपर पिन, ये हो गया 46 का डायमेंशन, ये हो गया फाई का, और एक हो गया फाई थ्री का, इसको कर लो फाई थ्री। ठीक है, एक डायमेंशन एक फिगर अभी आपका और बच गया, उसको कहाँ बनाया जाए। चलो अच्छा, उसको मैं यहाँ बना देता हूँ, ये ऐसे हो गया। ये देखेंगे इसी को, ये देखेंगे, ये बन गया आपका। आप देखेंगे इसमें बता रहा है नकल ज्वाइंट का विवरण दिया गया है। अब यहां पर आपका वन, ये आपका टू, ये आपका थ्री, ये आपका फोर, ये आपका फाइव, ये आपका सिक्स। सिक्स जो है कि आपका ड्राइंग दिया हुआ है, इनको मुझे क्या करना, असेंबल करना है। मतलब ये बता रहा है इसको असेंबल करने के लिए कि दोस्त इसको असेंबल करो, और असेंबल करने के बाद इसके तीन चीज को, मतलब मुझे क्या करना है, दर्शाना है, फ्रंट व्यू को, साइड व्यू को, ठीक है, और इसके टॉप व्यू को मुझे क्या करना है, दर्शाना है दोस्तों। तो आज क्वेश्चंस बन गया दोस्तों, कल फिर इस क्वेश्चंस को ना बनाना पड़े, या तो बनाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि कल कुछ लड़के नए भी हमसे जुड़ेंगे, है ना। तो इस क्वेश्चंस को देख लो, और कल फिर इस क्वेश्चंस को बनाएंगे, और फिर कल इसका हम लोग आंसर निकालेंगे, देखेंगे कि जो आपकी टाइमिंग है वो आपकी लगनी ही लगनी है ड्राइंग में, चाहे कुछ भी हो, टाइमिंग को हम लोग नहीं रोक सकते, क्योंकि ड्रा भी करना है, पीडीएफ के माध्यम देना होता तो दे देते, लेकिन उसमें मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि किस तरीके से इसको आप लोग को ड्रा करना है। ठीक है, तो ये ध्यान देना दोस्तों, आप विदा दीजिए, चला जाए, अब मिलते हैं कल की डेट में आप लोगों से। ठीक है, एक बार जितने भी लड़के वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, एक बार प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि जो भी आपकी ड्राइंग बन रही है आपकी बिल्कुल ही स्केच पे बनाई जा रही है, और बिल्कुल ही यहाँ पे फ्री हैंड स्केचिंग बनाई जा रही है। ठीक है, और जगहों की तरह नहीं कि आपका पीडीएफ के माध्यम से तो उसको दर्शा दिया गया, दर्शाने के बाद फिर उसको इस तरीके से बना के दर्शाया गया। ठीक है, टाइमिंग लग रही है, लेकिन फिर भी इसमें आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, और यही चैप्टर है जो कि आपका बड़ा है, इसके बाद के जितने चैप्टर हैं आपका रिबेट्स के हों, चाहे आपके कपलिंग के हों, छोटे छोटे चैप्टर हैं, ठीक है, वो बहुत जल्दी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, बस साथ में बने रहिए दोस्तों। ठीक है, चलते हैं, एक बार दोस्तों फिर से कहना चाहेंगे, दोस्तों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, चलते हैं, फिर मिलते हैं कल की डेट में, हमारे साथ 1 घंटा बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।